हेलो गाइस, वेलकम टू तेजी मंडी न्यूज़। तो गाइस, आज हम बात करेंगे कैप्टन अमेरिका और नेब्यूला के बारे में। उनसे रिलेटेड काफी कमाल का अपडेट आया है और बात करेंगे कुछ एक्स्ट्रा बोनस अपडेट के बारे में, जिसके बारे में बात करेंगे वीडियो की एंडिंग में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दिस वीडियो। तो सबसे पहले एवेंजर एंड गेम का सेकेंड ट्रेलर लॉन्च हुआ, जिसमें की 24 आवर्स में 268 मिलियन का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। अब इस ट्रेलर को इतना ज्यादा पसंद करा गया, देखा गया, जो कि लोगों के दिलों में छा गया और रिकॉर्ड तो 100% बन रही है, क्योंकि एवेंजर एंड गेम मूवी है और मार्वल फैंस के लिए ये एक त्यौहार से कम नहीं है। तो फाइनली ट्रेलर लॉन्च हुआ है तो उसमें एक सवाल उठा कि कैप्टन अमेरिका नेबुला जिस जगह लड़ रहे हैं वो कौन सी जगह है, उस प्लेनेट का नाम क्या है। तो हाल ही वो अर्थ तो है नहीं है, तो काफ़ी लोग इस दुनिया में ऐसे हैं जो कि वॉलपेपर को या फिर किसी भी इमेज को स्कैन करके पता लगा लेते हैं कि ये कौन सी जगह है। तो फाइनली पता लगाने के बाद ये पता चला कि ये टाइटन प्लेनेट है, जो कि थैनोस का होम प्लेनेट है, बर्थ प्लेनेट है। अब आपके मन में एक सवाल आया कि नेबुला और कैप्टन अमेरिका और भी अदर एवेंजर्स दोबारा टाइटन प्लेनेट पे क्यों जाएंगे लड़ने थैनोस से। अब मैंने कॉमिक बुक और टीवी सीरीज देख रखी है तो मेरे को थोड़ा सा पता है कि हाँ, अगर ये अपडेट सच निकला तो जैसा हमने कॉमिक बुक और टीवी सीरीज में देखा है कि फर्स्ट टाइम थैनोस की लड़ाई होती है अर्थ पर, बट सेकेंड टाइम में सारे एवेंजर्स एक साथ मिलकर असेंबल होकर बदला लेने जाते हैं टोनी के साथ मिलकर दोबारा से टाइटन प्लेनेट पर। और हमने ये बात देखी है कि थैनोस स्नैप करने के बाद अब थक चुका है, वो आराम से जीना चाहता है, पर यहाँ पर बीच में एवेंजर्स आ जाते हैं और आपने उसका सूट देखा होगा, स्कैक्रो पर सूखता हुआ इस तरीके से मूवमेंट थे। और देन हमने एवेंजर इन्फिनिटी वॉर में जो सीन देखा था कैप्टन अमेरिका वर्सेस थैनोस का, वो दोबारा से कन्फर्म हो चुका है एवेंजर एंड गेम में। तो हाँ, ये सीन अगर हुआ तो हम फैंस यानी कि मैं खुद ही थिएटर की सीट तोड़ने वाला हूँ अगर थैनोस वर्सेस कैप्टन अमेरिका हुआ। आई डोंट नो कि मैं क्या करूँगा उस टाइम, पर जो भी है कि वो टाइटन प्लेनेट पर सारे एवेंजर्स असेंबल होकर लड़ने जरूर जाएंगे। और देन बात करते हैं एक नए अपडेट के बारे में जो कि मैंने बोला था। तो फाइनली इस सीन में कैट बिशप जो कि हॉकाई की बेटी है, ये एक्चुअल में एवा रूसो हैं, जो कि रूसो ब्रदर की बेटी है। इन्होंने ये बात एक इंटरव्यू में बोली थी। और देन कैथरीन इसका रोल प्ले नहीं कर रही है कैट बिशप का, वो शायद कोई एमसीयू में अदर कैरेक्टर रोल प्ले कर रही है। और अगला अपडेट है, सोनी कंपनी फाइनली कन्फर्म कर चुकी है कि वो एजेंट वेनम पर एक टीवी सीरीज बना रही है। अब वो एनिमेशन होगी या लाइव एक्शन होगी ये कन्फर्म नहीं है। और देन अगला ट्रेलर का अपडेट, तो आप जानते हो कि थर्ड ट्रेलर कैप्टन अमेरिका और एवेंजर एंड गेम का जो भी ट्रेलर होगा वो बिफोर मूवी से पहले रिलीज होने वाला है, यानी कि अप्रैल के महीने में। तो कैसा लगा अपडेट, कैसा लगा वीडियो? अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे हो पेज को लाइक करें। रियली में आपको ये वीडियो पसंद आया तो बिल्ली कमेंट शेयर करो। जो मानते इस वीडियो को नए देखे हो या तो उस पर लोकी के हाथ मारो या पैर मारो, पर और कुछ मत मानना। बाय बाय, जा रहा हूँ, और अप्रैल में धमाके के लिए तैयार हो जाओ।